1757 मसीहा पलासी युद्धरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब सिराजुद्दौला को परास्त करी बंग अधिकार कले। एहा कंपनी शक्ति वृद्धि करने सह आगामी 100 वर्ष पर्यंत समग्र भारत में प्रभाव विस्तार करिवारे सहायक होता। इंग्रज मानकर राज्य जय नीति और औपनिवेशिक शासन भारतर लोकमान असंतोषर वातावरण सृष्टि करिथिला। फलरे समग्र उपमहादेश रे अनेक विप्लव और सशस्त्र विद्रोहर सूत्रपात होता। समग्र देश तथा ओडिशार जनजाति माने विद्रोह मानकर मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिले। सबू आंदोलन और विप्लवर धारा मध्य अनेक जनजातिर नेता योगदान कर स्वाधीनता निमन्ते इंग्रज मानक हाथ में निजर जीवन उत्सर्ग करिवार नजीर रही। ओडिशा रे मध्य स्वाधीनता पाई ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे जनजाति मानकर संग्राम और विद्रोह मान संगठित होइथिला। स्वाधीनता संग्राम रे कांग्रेसर वार्ता लक्ष्मण नायक को गभीर भाव अनुप्राणित करिथिला। से जनजातिर लोकमानंकु विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य जथा रास्ता कोठाबाड़ी पोलो और विद्यालय निर्माण कार्य निमन्ते प्रवर्तई पारिथिले। से ग्रामवासी मानंकु कौनसी टिकस न देवा निमन्ते कहिथिले। अहिंसा मार्ग को इंग्रेज मानक विरुद्ध रे मुख्य अस्त्र भाव व्यवहार कर से दमन दुर्दशा और शोषण विरुद्ध रे लड़ाई रे कर्णधार होइथिले। से अहिंसा मार्ग आपणे इंग्रज मानक विरुद्ध रे स्वाधीनता संग्राम जारी रखिथिले। जनजातिर लोक माने तांको मालकानगिरी रा गांधी बोली डाकुथिले। स्वाधीनता संग्राम रे कोरापुट जनजाति मानक विद्रोह अप्रत्याशित भावे एक जन आंदोलन सृष्टि करि पारिथिला। भारत छाड़ आंदोलन बार्ता कर बा मर लोकमानक मध्यरे प्रचारित होइथिला। 1942 मसीहा अगस्त 21 तारीख रे विभिन्न ग्रामर जनजाति लोकमाने लक्ष्मण नायकंक नेतृत्व रे हाथरे कांग्रेस पताका और रामधुन बोली माथिली अभिमुखे यात्रा आरंभ करिथिले। सेमाने माथिली थाना परिसर रे पसी कांग्रेस पताका उत्तोलन निमन्ते चेष्टा कले। मात्र लक्ष्मण नायक को ता कराई देवा निमन्ते अनुमति दिगला नाही। सेठारे मजिस्ट्रेट मुजिबुर रहमान विद्रोही मानक उपरे लाठी चालनार आदेश देले। एया परे पुलिस गुड़ी चालना करिथिला। फळरे 5 जण मृत्युवरण करिवा सह 17 जण आहत होइथिले। सेठारे मृताहत होइथिबा व्यक्ति माने हेउचंती नकुल पुजारी समरा नायक नरसिंह भूमिया लिंग भूमिया और सरकारी जंगल रक्षी जी रमैया। आहत लक्ष्मण थाना परिसर रे एक खाल कड़ को पड़ी पुलिस निमंते एक अदृश्य आशीर्वाद थिला। सेमाने लक्ष्मण नायक को जंगल रक्षी जी रमैया हत्या अभियोग फसाई गिरफ कले। 4 मास धरी शुणाणी चलिला। 1942 मसीहा नवेम्बर 13 तारीख रे से समय दौरा विचारपति भी रामनाथन लक्ष्मण नायक को मृत्युदंड दंडित करते। 1942 मसीहा नवेम्बर 16 तारीख रे तांको फांसी निमंते ब्रह्मपुर कारागार को स्थानांतर करागला। ब्रह्मपुर वकिल श्रीजुक्त राधाचरण दास एवं प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्रामी उमाचरण पटनायक पटना उच्च न्यायालय रे पुनर्विचार निमंते आवेदन कले। मात्र आवेदन को अग्राह्य करा जाइथिला। फांसी पाइबार दिन पाखी आसुवा बेले कारागार समस्त कैदी माने तांकर जीवन रक्षा पाई प्रार्थना करुथिले। 1943 मसीहा मार्च 28 तारीख सारा राज्य तथा तांकर साथी बंदी माने उजागर रहिथिले। 1943 मसीहा मार्च 29 तारीख पांतिया 5:30 समय रे लक्ष्मण नायक वीर दर्पण फांसी खुंड निकट को चली चली आसीथिले। से उत्साहित होई कहिथिले जदि सूर्य सत्य एवं चंद्र सत्य तेबे एहा मध्य सत्य जे भारत माता स्वाधीन हेबो।
ଜେଲ୍ ଜମାଦାର ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟର ଲିଭର ଭିଡ଼ିଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ଲୁହାର ଫଳକ ଖସିଗଲା। ଫଳରେ ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା।